जहां भारत का जो लोकतंत्र है वो ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है, इनके यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं होते, इनके यहाँ केवल ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। और इनकी याददाश्त को तरोताजा कर दूं, इमरान खान कहते हैं अमेरिका जाके कि 40,000 आतंकवादी पाकिस्तान की भूमि पे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। सोचिए, ऐसे मुल्क के जो नुमाइंदे हैं उनसे हमें चर्चा करनी पड़ती है। और इन्होंने एक दर्द दिखाया कि भारत ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, निवेश किया वहां पे कि वहां की हालात जो है बेहतर हो। हमारे पास रुपया था, हम चाहते थे वहां शांति हो, प्रगति आए, तो हमने लगाया। आप तो एक भिखारी मुल्क है, आपके पास तो अटंडी नहीं है लगाने के लिए, बल्कि हमने देखा है कटोरा लेके कभी चीन की तरफ कभी अमेरिका की तरफ उसको घुमा देते हैं, वहां से लात पड़ती है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन आज जो मुख्य बात है अंजना जी, भारत की तरफ से एक बात कह दूं, आपके जवाब के लिए आऊंगी, आप अपनी बारी में प्लीज बोले, नहीं बोलेंगे बीच में मत बोलिए। चौधरी, आप पाकिस्तान में होंगे, यहाँ भारत से बोले, कोई हैसियत नहीं है, मुनासिब करें, अपनी बारी में बोलिए। तरीके से बात, हम आपकी बात सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है चौधरी जी, आपके मेहमान मैं आपको अच्छी तरीके से एक सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए, अच्छा क्या बात सुनिए यार चौधरी जी, अपनी अपनी बारी में बात करिए, ठीक है चौधरी इफ्तिखार जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए, रुके बोलिए गौरव भाटिया जी, अपनी बात चैनल पे धन्यवाद सुप्रिया जी को दिखाइए। देखिए, मैं केवल एक बात जरूर कहूंगा, भारत का जो लोकतंत्र है उसकी आस्था हमेशा जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसमें है। और जिस तरह से हमारे सामने वीडियोस चल रहे हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, ये चिंता का सबब है। और भारत ये सुनिश्चित करेगा कि ना केवल हमारे जो नागरिक हैं वो वापस आए, बल्कि एक ऐसी स्थिति बने जहां पे हर महिला हर बच्चे को एक ऐसा वातावरण मिले कि वो आगे बढ़ सके। ये पाकिस्तान नहीं करेगा, पाकिस्तान तो चाहेगा कि पूरे विश्व में आतंकवाद का ही बोलबाला हो। और अंत करूंगा एक बात से, चौधरी जी आपको मालूम है आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी विश्वसनीयता शून्य क्यों है, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जिसका घिनौना चेहरा यूनाइटेड नेशंस में समय समय पे भारत ने उजागर किया है, आपका भी है। और इसीलिए आपको आज माफी मांगनी चाहिए हर उस देश में जहां पे आतंकवादी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत,